भारत ने माना कि भारत चीन संबंधों को काफी नुकसान पहुंचा है और बीजिंग की बेईमानी इसके लिए जिम्मेदार है। चीन ने लद्दाख में LAC के पास बड़े पैमाने पर सैन्य टुकड़ी की तैनाती की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लॉय इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित एक ऑनलाइन इंटरैक्टिव सत्र के दौरान कहा है कि चीन ने LAC पर इतनी संख्या में सेना तैनात करने के पीछे 5 अलग अलग तरह की वजह बताते हुए सफाई दी है। उन्होंने ये कहा है कि चीन की तरफ से द्विपक्षीय समझौते के इस उल्लंघन ने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि हम आज चीन के साथ हमारे संबंधों के शायद सबसे कठिन दौर में हैं। निश्चित तौर पर पिछले 30 से 40 साल या आप कह सकते हैं कि उससे भी ज़्यादा समय के दौरान ये सबसे ज़्यादा कठिन समय है। जयशंकर ने यह भी कहा है कि हम इस बात पर स्पष्ट हैं कि LAC पर शांति और बराबरी ही संबंधों की प्रगति का आधार है। सीमा पर ऐसी स्थिति के साथ ये नहीं कहा जा सकता है कि अन्य सभी क्षेत्रों में जीवन की गतिविधि को आगे बढ़ाए, यह गैरवाजिब है। और विदेश मंत्री ने यह कहा है कि हमने 1988 में ऐसी समस्या का सामना किया है। हमारे रिश्ते में एक अवरोध था, तब से हमारे बीच मतभेद थे, लेकिन मोटे तौर पर संबंधों की दिशा सकारात्मक रखी गई थी। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि ये सब इस तथ्य पर आधारित था कि हम सीमा के मुद्दे को हल करने की कोशिश कर रहे थे। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।